हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो टैंगो जूस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसे मैं थैंक यू बोलती हूँ, और जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। और जल्दी और ये झटपट बन जाता है। और ये मैंने 200 मिली पानी लिया है, और ये मैंने मैंगो जूस लिया है, रेडीमेड लिया है, मैंने घर पे नहीं बनाया जूस, सब मैंने रेडीमेड लिया है। तो मैंगो जूस मैंने लिया है 3 बड़ा टेबलस्पून, और 50 ग्राम मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, और 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम लिया है, और ये मैंने 1 बड़ा चम्मच नारियल पाउडर लिया है, भूरा नारियल का, और थोड़ा सा बर्फ़ लेंगे आइस। और ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस लिया है, और देखते हैं हम कैसे बनता है। सबसे पहले एक जूसर जार लेंगे और उसमें मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, और आधा हम डाल देंगे इसमें नारियल पाउडर, और थोड़ा सा रखेंगे हम। और इसमें क्रीम डाल लेंगे, और अभी वनीला आइसक्रीम भी इसमें हम डाल देंगे। और ये सब जो मैंने लिया है सब ठंडा है, क्योंकि तो मैंने फ्रिज में रखा था। और इसमें मैं शक्कर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो मैंने जूस लिया है मैंगो जूस, ऑरेंज जूस और वनीला आइसक्रीम, सब में शुगर होता है और मीठा होता है, तो इसके लिए मैंने नहीं डाला है। और अभी इसके अंदर हम पानी डालेंगे, और पानी भी मैंने एकदम ठंडा लिया है, और इसको हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। और अभी हम जूस को पीस लेंगे। ये मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है जूस को, और अभी इसको हम निकाल लेते हैं एक सर्विंग ग्लास में। सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, और उसमें जो नारियल का मैंने पाउडर रखा था भूरा, उसको हम फैलाएंगे ऐसे हाथों से, ऐसे करके हम इसे फैला देंगे। और जो सर्विंग ग्लास है उसे लेंगे, और उसके किनारों को हम गीला कर देंगे पानी से, ऐसे करके गीला कर देंगे। अच्छे से गीला करिए चारों तरफ से, अच्छे से गीला होना चाहिए तभी इस पर नारियल का भूरा लगेगा। और अभी से हम इसके ऊपर हम लगा लेंगे ऐसे करके, और अभी हम अपने जूस को इसमें सर्व करेंगे। और अभी जूस को ग्लास में हम डालेंगे, और इसके अंदर हम आइस डालेंगे। और सब चीज़ ठंडा लिया है मैंने तो सब ठंडा है, और अगर ज़्यादा ठंडा पसंद हो तो आप इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर सर्व करिए। और ऊपर से थोड़ा सा जूस और डाल देंगे हम। और ये मैंने स्ट्रॉ लगा दिया है और गार्निश कर दिया है। तो ये हमारा मैंगो टैंगो जूस बनके तैयार है। तो आप बना के देखिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, आप बनाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, और प्लीज़ देखिए मेरा वीडियो। और आपका बहुत सारा प्यार मिला उसके लिए थैंक यू, और फिर से मिलते हैं हम नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।